कोराड़ी थाना क्षेत्र के शंभुनगर में चल रहे विवाद के कारण एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ये चौंकाने वाली घटना रविवार 13 रात की सुबह की गई। हत्या के बाद पति सीधे थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक पत्नी का पहचान सेवानिवृत्त शिक्षक मुकुल कुमारी पुरुषोत्तम सिन्हा के रूप में की गई, जबकि आरोपी पति की पहचान पुरुषोत्तम अंबिकापति सिन्हा के रूप में हुई। वह कोल इंडिया से सेवानिवृत्त अधिकारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों का शंभुनगर में एक विशाल घर है। पहली मंजिल पर मुकुल कुमारी और ग्राउंड फ्लोर पर कुमारी है। पति पत्नी के बीच कई सालों से तकरार चल रही थी। एक साल पहले कोराड़ी पुलिस ने मुकुल कुमारी की शिकायत पर पुरुषोत्तम के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। इसके अलावा दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहां एक पुलिस स्टेशन है। तलाक का मामला भी कोर्ट में चल रहा था। मुकुल कुमारी की मौत हो गई। इसके बाद पुरुषोत्तम घर से चला गया। जब केयरटेकर कमरे में गए तो मुकुल कुमारी को खून से लथपथ पाया। जहाँ पुरुषोत्तम रहते हैं उनके दो बच्चे हैं, एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में रहता है। दोनों की देखभाल के लिए केयरटेकर है। रविवार सुबह मुकुल कुमारी और पुरुषोत्तम के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया। कुल्हाड़ी द्वारा मुकुल कुमारी को पुरुषोत्तम ने मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और छोड़कर चला गया। इस बीच एक नागरिक ने घटना की जानकारी कोराड़ी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पर वहां पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर शव को मेयो भेज दिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वैभव काकड़े, कोराड़ी, नागपुर। हिंदुस्तान में पहली बार आलीशान लेकर आए हैं खरीदी करने पर 100% आजादी। 10 अगस्त को दिल खोलकर शॉपिंग करो और पूरे पैसे 14 अक्टूबर को वापस ले जाओ। क्या बात है, ये हुई ना असली आजादी। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। TNC अप्लाई।